हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैमरा में कोई प्रॉब्लम आता है तब उसको रिसेट किया जाता है तो आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। बट इस कैमरा को रिसेट कैसे करते हैं वो आज आपको बताऊंगी। और गाइस, मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है और अब सभी जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं सभी में रिसेट का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर होता है वो बताऊँगी। और गाइस, और तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके कैमरे में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा रिसेट करने से। सर, जैसे कि अगर आपके फ़ोटो ब्लर आ रही है या फिर फोटो क्लियर नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा फ़ोटो, कोई भी प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो रहा है तो, या फिर फोटो क्लिक ही नहीं हो रहा है और कैमरे पर, सो गाइस वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं रिसेट करने से। तो सबसे पहले आपको कैमरे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरे की सेटिंग में जाना है और इसके बाद सबसे नीचे ही आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, सभी किसी किसी फ़ोन में रीसेट सेटिंग लिखा होगा, रीसेट कैमरा सेटिंग या फिर रीस्टोर डिफॉल्ट। सो गाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है आपका कैमरा रीसेट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इसमें रीसेट कर दीजिए तो वीडियो में जाकर रीसेट करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार रीसेट कर दीजिए कैमरे में तो आप पूरे जो कैमरा है वो पूरा रीसेट हो जाता है, चाहे वीडियो में हो, चाहे प्रोमोड हो या ब्यूटी का ऑप्शन, सब में रीसेट हो जाता है। गाइस, अगर इसी तरीके से वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो का अगर उसमें से जाके रीसेट कर देते हैं तो इसकी जो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी और चीज़ की रीसेट करने की, जैसे कि वीडियो में भी रीसेट करने का ऑप्शन होता है। सो गाइस, एंड ये रहा रीसेट करने का ऑप्शन। सो गाइस, यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं। वैसे आप एक बार रीसेट कर देते हैं तो पूरा कैमरा रीसेट हो जाता है, तो जो कैमरा प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। गाइस, इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा को रीसेट कर सकते हैं। और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।